जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खैरियत से हैं। मेरे जहन में था कि आज की वीडियो हमने हेपेटाइटिस के ऊपर बनानी है, और जो लिवर के फंक्शंस हैं और लिवर की एलिमेंट्स हैं उसमें हम कुछ यूज़र का एक्सपीरियंस भी आपसे शेयर करेंगे। अगर समहाउ मेरा दिल किया कि मैंने कल के दिन के अंदर कुछ सीखा वो आपसे शेयर करता हूँ, दैट इज़ प्रॉबली मोर इम्पॉर्टेंट। कल हम कुछ डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप कर रहे हैं, तो मुझे सियालकोट जाना था। बहुत मज़े का मौसम था, सुबह निकले सियालकोट मोटरवे, हमने एंजॉय की। इतनी खूबसूरत मोटरवे, लश ग्रीन आपके दोनों तरफ जो है, इतने वो नारोवाल का एरिया और उसमें चावल, और इतना खूबसूरत रिच एरिया नज़र आ रहा था कि क्या बात है। तो वो एंजॉय करते हुए हम सियालकोट पहुँचे, दो लोगों से मुलाकात हुई, बहुत ही खूबसूरत लोग, वेरी कर्टियस। और उसके बाद हमारे प्लान में था कि हमने वहीं से, मैंने कुछ सीखा वो आपसे शेयर करता हूँ, कि डस्का के अंदर उन्होंने बताया, हमारे साथ जो सेल्स के साहब हैं उन्होंने बताया कि डस्का के अंदर एक साहब हैं जिन्होंने एक होम्योपैथिक हॉस्पिटल बनाया। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो डॉक्टर इशफाक के नाम से वो क्लिनिक है, क्लिनिक नहीं, इट्स अ फुल फ्लेज प्रॉपर हॉस्पिटल जिसके अंदर मेरा ख्याल है कि 200-250 पेशेंट्स के बैठने की जगह होगी। डस्का पहुँचे हम, और आई वाज अमेज्ड कि जिस तरह एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर डिस्पेंसिंग का सेटअप होना चाहिए, ऑफिस होना चाहिए, फिजिशंस के सेपरेट सेपरेट रूम्स होने चाहिए, तो बहुत ही मज़ा आया। अच्छा, जब वो डॉक्टर साहब ने अपना तारुफ करवाया, उनके भाई ने पहले तारुफ करवाया शहजाद साहब ने, तो उन्होंने दो तीन चीज़ें बड़े मज़े की बताई। उन्होंने कहा कि जी पहली बात यह है कि उन्होंने कहा कि आप पैन पाकिस्तान खुद एक जगह विज़िट करते हैं, तो आप बताइए इस तरह के शायद कम सेटअप्स हों। मैंने तो खैर देखा ही नहीं ऐसा कोई सेटअप, जो इतना बड़ा सेटअप जिसके पास 250 होम्योपैथिक या यूनानी सेक्टर के अंदर, और जाहिर है वहाँ पेशेंट फ्लो मुझे नज़र आया जो लोग कॉल कर रहे थे, खवातीन थीं बहुत सारी, तो इसका मतलब है गायनी के इश्यूज भी एड्रेस हो रहे हैं और बाकी चीज़ें भी एड्रेस हो रही हैं। जो उन्होंने मज़े की बात बताई, उन्होंने कहा कि जी हम तीन भाई हैं, हम इकट्ठे रहते हैं, तीन घर हमने बनाए, पहले इकट्ठे रहते थे और उसके बाद तीन साथ साथ हमने घर बनाए, और सुबह हम दोनों पेरेंट्स की दुआएँ लेके से निकलते हैं, और उसके बाद रात को आके हम तीनों भाई उनके पांव दबाते हैं, उनकी खिदमत करते हैं। और इतनी देर में जब हम डिस्कशन कर रहे थे तो उनके वाले साहब आ गए, माशाल्लाह बारिश और बड़े ही हम्बल। तो मुझे एक चीज़ सीखने को ये मिली कि जो शिफा है उसका ताल्लुक जो है वो खाली दबाव के साथ तो नहीं होता, जैसे हमारा तो मानना ही है कि शिफा में जाने पड़ना, लेकिन अल्लाह ताला को शिफा किस तरीके से आपको देते हैं वो आपकी साले नियत के साथ देते हैं। तो अगर हमारे देखिए पैसे आ ही जाते हैं, हम अनफॉर्चुनेटली अपने क्लोज सर्कल के अंदर देखते हैं कि जो हेल्थ सेक्टर है उसको एक शूट किस्म का बिजनेस बना दिया गया, बहुत सारी डिफरेंट एग्जांपल्स भी देखते हैं। लेकिन अगर हमारा ईमान, हम अंदर से कामिल दिल से ये यकीन रखते हैं कि शिफा मिल जाने पल्ला है, तो दवा के साथ जो शिफा मिलनी है, शिफा जेर वाली, जिसका मायने है कि आपकी सेहत रिस्टोर हो जानी है, उसका ताल्लुक जो है वो फिजिशियन की साले यानी खालिस नियत के साथ भी है। अगर उसके सामने तिजारत है तो फिर आप यकीन कीजिए सेम दवा से इलाज नहीं हो सकेगा। मैंने उनसे कहा कि मुझे बताइए आपके पास जो कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स कौन कौन से आते हैं, तो उन्होंने बड़ी मतलब उन्होंने ओपन अप इस रजिस्टर जिसके अंदर उन्होंने पेशेंट के रिकॉर्ड्स रखे हुए थे। आप यकीन कीजिए मतलब स्किन सरासिस से लेकर लिवर सोराइटिक हुआ, हर तरह के पॉलीसिस्टिक ओवरीज के पेशेंट्स उनके पास ट्रीट हो रहे हैं, जो गैंग्रीन है, कैंसर की एक फॉर्म है, उसके पेशेंट वहाँ पर ट्रीट हो रहे हैं, और लोगों का रिस्पांस यानी आज से तो नहीं है, वो तो कोई 15-20 साल से ये काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे अगर स्क्रॉलिंग है, इसका मतलब है लोगों को शिफा मिल रही है। मैंने ये सीखा कि जो शिफा है उसके लिए आपकी नीयत का ठीक होना और आपके पेरेंट्स के खमीर का सही होना, ये बहुत ज़रूरी होता है। और जब वो आपके अंदर इस तरह की चीज़ें आती हैं तो अल्लाह ताला आपके हाथ में दस्ते शिफा भी रखते हैं।
और फिर हम उसके बाद गुजरांवाला आए, बहुत इंजॉय किया, मोर कर्टियस पीपल, बहुत ही मज़ा आया, सीखने को मिला। और उसके बाद रात लेट कोई 10 साढ़े 10 11 बजे, सारे दिन की ड्राइविंग थके हुए थे। तो दूसरी चीज़ जो सीखी वो ये सीखी कि अगर आपको 5-6 घंटे के भी सुकून की नींद आ जाती है तो सुबह आप 7 बजे या 5-6 घंटे के बाद आप प्रॉपर फ्रेश उठते हैं तो अल्लाह ताला का फितरत का कितना आप कितना अल्लाह ताला का शुक्र अदा ना करें कि नींद और उसके बाद आपको दोबारा अल्लाह ताला रिस्टोर कर देते हैं आपके तमाम एनर्जी लेवल्स के, आप दोबारा से फिर उसी तरीके से उतनी ही हिम्मत और एनर्जी के साथ दोबारा तैयार हो जाते हैं उनकी खिदमत करने के लिए। मतलब हम इंसानों को ही ना देखें, आप किसी भी चिरंद परिंद को देख लें कि देखिए वो सुबह सुबह उठते हैं, सारी दिन मशक्क़त करते हैं, उसके बाद रात को आते हैं, रेस्ट करते हैं और सुबह फिर उस काम के लिए निकल जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल या परसों हम जैसे ही वक्त मिला तो हम काले अरकान और लिवर के जो मुख्तलिफ अमराज हैं उसके ऊपर कुछ पेशेंट्स का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया।